बहुत अच्छे पेंटिंग्स है और मुझे मराठीत बोलूगा कारण पेंटमधनं या छोट्या शहरातनं एवढे चांगले आर्टिस्ट आलेत त्याचं खूप कौतुक वाटतं आणि प्रत्येकाची पेंटिंग चांगली आहेत. प्लस सगळे काय फक्त पेंटिंग्स करणारे नाहीत, काही स्वतःचा व्यवसाय करतायत, स्टुडंट्स आहेत आणि त्याच्यातनं वेळ काढून एवढं करतायत ते फार एक उत्तम गोष्ट आहे. आणि जिथूनही एवढं त्यांना मार्गदर्शन केलं आहे आणखीन त्यांना इथे वाव दिला ते एक आणखीन कौतुक करण्यासारखी गोष्ट आहे. ऐसे बोले तो बहुत सारे पेंटिंग खरीद कर सकूँगा, लाइक हो जाएंगे, बट इतना खरीद नहीं कर सकूँगा. बहुत सारे पेंटिंग अच्छे हैं, बहुत सारे मेरे पास जीतू के 4-5 पेंटिंग हैं. और मैं एक बात ज़रूर बताना चाहूँगा, मेरे पास दूसरे अच्छे आर्टिस्ट वाले के भी पेंटिंग है, बट हमारे घर पे जो कोई नया आदमी आता है तो उनका लक्ष्य पहले जीतू के पेंटिंग पे जाते हैं और पूछते हैं किसका पेंटिंग है. मेरे पास आजीज़ का भी है, कोई बाहर के लोगों का है, हांगकांग का, वियतनाम का, बट उनका पेंटिंग एकदम ड्राइंग रूम में नंबर वन है. मैडम आपसे भी जानना चाहेंगे कि आपको कितना प्रभावित किया है पेंटिंग, और कोई खास पेंटिंग लगी जो आप एक्सप्लेन करना चाहेंगे, बताना चाहेंगे? नहीं, सब पेंटिंग्स बहुत ही अच्छी है और हर एक की कुछ अलग तरीका है हर एक का, और वो सभी अपीलिंग है, बहुत अच्छी तरह से किए. और ये सिंपल मतलब हाउस होल्ड है कि या किधर दूसरा कुछ प्रोफेशन करते हैं, फिर भी इतना उस उनके उनमें जो कला है उसको जीतू ने बहुत अच्छी तरह से मौका दिया है और उन्होंने बहुत अच्छी प्रदर्शन किया है अपनी कला का. तो हमको तो दिल चाहता है कि बहुत सारे उठा लो और किसी को बोल दूँ कि बाबा आकर ये उसको प्रेजेंट भी दे दूँ, लेकिन अभी शायद मैं बहुत लोग आ जाएंगे और खुश हो जाएंगे और बहुत सारे पिकअप भी करेंगे मेरे ख्याल से. वेरी नाइस. कल कितने आर्टिस्ट ने इस एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट किया और आज की जो खास पेंटिंग रही उस पेंटिंग के बारे में अगर कोई जानकारी देना चाहेंगे? यहाँ पे लगभग अभी 15 आर्टिस्ट ने पार्टिसिपेट किया है. पुणे से 2 आर्टिस्ट है, रितेश करके, सुनील सर सर के हमारे जो सीनियर है. ठाणा से आर्टिस्ट है अनिल सर है, और बाकी उरण से अजय और पार्थ, और बाकी जो मेरे दोस्त है, मेरे स्टूडेंट है, वो पेन से है. मतलब तो ये हम सालमर में एक वर्कशॉप करते हैं पेंटिंग का, जिसमें हम लोग पेंटिंग के बारे में गाइडेंस करते हैं उनको. तो ये 6-7 साल से चलता आ रहा है कि वर्कशॉप एक साल में होता है. तो एक बार मैंने इनसे बात किया था, आप सभी आर्टिस्ट का एक बार शो करेंगे एक गैलरी में. तो आज का दिन वो आ गया कि ये नेहरू सेंटर में जो प्लेटफॉर्म मिला है उनको. तो मुझे लगता है कि अपना जो जिस फील्ड में अभी है, मतलब पेंटिंग तो करते ही है, तो अपना जॉब भी संभाल के वो सब आर्टिस्ट पेंटिंग्स कर रहे हैं, कोई हॉबी आर्टिस्ट है, लेकिन आप काम देखोगे तो हॉबी आर्टिस्ट से भी बढ़िया, मतलब प्रोफेशनल आर्टिस्ट जैसा काम किया है. तो मुझे लगता है कि पेंटिंग का ज़्यादा मतलब कला रसिक जो होते हैं खाली उसका मतलब कौतुक ही करते हैं, ज़्यादा वाह वाह करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इससे आगे वाला जो स्टेप है, एग्जीबिशंस करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कनेक्ट हो, क्योंकि आर्ट ऐसी आपको गॉड गिफ्ट है. तो मुझे लगता है ये आगे बढ़ाना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ सकता है आर्ट. तो यही मेरा मतलब इस एग्जीबिशन करने का मकसद था. तो मुझे लगता है ये सफल होगा, और पहला दिन आज का दिन पहला है, तो 7 दिन में काफ़ी सारे लोग यहाँ पे आने वाले हैं, तो अच्छा रिस्पांस मिलेगा. जितू जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि हर आर्टिस्ट का कलाकार का एक सपना होता है कि नेहरू सेंटर में उसकी पेंटिंग लगे, तो आज ये आपका सपना पूरा हो रहा है, कैसा दिल धड़कने अभी भी तेज है या रुकी भी है? तो इवेंट बाकी आर्टिस्ट के हिसाब से बड़ा ही है और मेरे हिसाब से भी बड़ा ही है. तो आर्ट का इवेंट है तो धड़कने तो पहले से ही, मतलब बहुत बार ऐसा दिल धड़का है आर्ट के एग्जीबिशन के टाइम, अभी भी धड़क रहा है, ज़्यादा तेज़ी से धड़क रहा है, क्योंकि आप लोग सामने हो
ऐसा मेरे एग्जीबिशन में भी इतना नहीं था सपोर्ट, क्योंकि मेरे एग्जीबिशन में खाली एक कैमरा था, अभी 4-5 कैमरे लगे हुए, तो धड़कने का डेफिनेटली ज़्यादा ही तेज़ है। तो आगे जाके मेरे जो स्टूडेंट है और बाकी जो आर्टिस्ट है जो मुझसे सीखते हैं, और मेरा यही मकसद है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा सीखूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई आदमी 500 साल जिएगा। 60 साल में जीने वाला हूँ ऐसा सोच के, जितके 60 साल मुझे कम लग रहे हैं अभी, तो इतने सालों में मैं ज़्यादा से ज़्यादा आर्टिस्ट को पढ़ा सकूँ और ज़्यादा से आर्टिस्ट का जो सर्कल है वो बढ़ा सकूँ, यही मेरा मकसद है। और पेंटिंग के बारे में आपने पूछा था, यहाँ पे कौन सी पेंटिंग्स के बारे में आप ज़्यादा कहना चाहोगे, लेकिन मैं किसी की मेरे पेंटिंग के बारे में नहीं बताऊँगा, सभी के आर्टिस्ट की एक एक पेंटिंग के बारे में फीलिंग्स है, सब आर्टिस्ट का काम अपने अपने लेवल तक अच्छा है, तो सभी जो पेंटिंग्स है वो सभी खास है मुझे लगता है। एक किसी पेंटिंग के बारे में नहीं बता सकता कि ये पेंटिंग खास है। बराबर बराबर। कमर्शियल बात करें कमर्शियल कैसे हो पा रहा है, जैसे पेंटिंग मान लो पेंटिंग बना लिया और फिर उनके खर्च होते हैं पेंटिंग बनाने के लिए तमाम सारे, तो मुझे लगता है कि अभी मैं तो फिलहाल फ्रीलांस काम ही कर रहा हूँ, तो मैं अभी आगे के चार महीने में बिजी हूँ पेंट कमर्शियल काम में। तो मुझे लगता है कि जो अभी चांस दिया है इधर उनके पेंटिंग्स लगाने के लिए, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि आजकल दुनिया में इतना स्वार्थ हो गया है कि सबको अपना ही नंबर पहला होना चाहिए, करते नहीं है कि बाकी 8-10 लोगों को इधर आके उनका पेंटिंग भी लगा दे, ये बहुत अच्छी चीज़ है। पर तुमको खुद को भी मालूम नहीं होगा कितनी पेंटिंग लगाई, यहाँ पे 90 के आसपास 90 के आसपास कुछ पेंटिंग है, और यहाँ पे कब से कब तक रहने वाली है? 6 दिसंबर से लेके 12 दिसंबर तक, मंगलवार से लेके सोमवार तक, पूरा हफ्ता एक हफ्ता पूरा हफ्ता है। हेलो नमस्ते एवरीबडी, मेरा नाम प्रतीक संतोष भोसले है, मैं पेन से बिलोंग करता हूँ। मैं ये कलार्पण जो एग्जीबिशन अभी इधर लगा हुआ है 6 से 12 दिसंबर तक, तो उसमें पार्टिसिपेट किया है, तो मैं बहुत आभारी हूँ, मतलब जो इसके आयोजक है जितेंद्र गायकवाड़ जी, तो उनका, क्योंकि उन्होंने जो इतनी मेहनत की है ये सब एग्जीबिशन अरेंज करने में, तो वो मतलब काबिले तारीफ़ है। और क्योंकि मतलब एक पूरा एग्जीबिशन मैनेज करना किसी भी मैनेजमेंट स्कूल से ना सीखे हुए हो तो भी, तो यह बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि तो ये सब चीज़ें हैं। और मैंने यहाँ मेरी एक सीरीज़ लगी हुई है डायरी ऑफ महाराष्ट्र, जिसका नाम है मतलब महाराष्ट्र के कुलदेवर श्री खंडोबा जी, तो मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि भाई आप यहाँ एग्जीबिशन में देखने आओगे, और यही मेरी आराधना है, तो थैंक यू सो मच। वीरेंद्र कुमार देवगिरकर, और मैं एज अ आर्ट एजुकेटर भी हूँ, और मैं प्रोफेशनली फ्रीलांसिंग पेंटिंग्स भी करता हूँ। तो आई लाइक मोस्ट इन वाटर कलर, क्योंकि वाटर कलर के साथ मुझे ज़्यादा फ्रेंडली और ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है, एज वेल एज मैं एक्रेलिक मीडिया भी हैंडल करता हूँ। सम कमर्शियल वर्क्स भी मैं मेरे चलते हैं। तो ये जो एग्जीबिशन है, तब हमारे जो ऑर्गेनाइज़र है उन्होंने हमें अप्रोच हुए, और उसके बाद हमने इस एग्जीबिशन में अपने पेंटिंग्स लाने के लिए बहुत एक्साइटेड थे। और उसके अलावा उन्होंने जब भी बताया कि अपने पेंटिंग्स ये जब तक एग्जिबिट ना हो, हर पेंटिंग का अधिकार होता है कि उसे एग्जिबिशन मिले, एग्जिबिट हो, तो उसके अनुसार हमने आज के हमारे वाटर कलर, मेरे तो खास तौर पे वाटर कलर के हैं, तो डिफरेंट जगह पे बनाई गई पेंटिंग्स है ये, सम आउटडोर लोकेशंस है, प्लेन एयर है, और कुछ फॉरेन लोकेशंस के भी है,
तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, क्राउड भी अच्छा है, तो होप कि अच्छा हमें उसका आउटपुट मिलेगा और लोगों को हम बहुत ज़्यादा इसके थ्रू एक अच्छा आनंद वाला जो मौका होता है वो हम प्रदान करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, मैं सुनील देशमुख पुणे से हूँ। बेसिकली आई एम डेयरी टेक्नोलॉजिस्ट और डेयरी ऐसा क्षेत्र है कि जहाँ कोई भी छुट्टी नहीं रहती, ना दसरा ना दिवाली ना कुछ भी छुट्टी नहीं रहती। हम पूरे 365 दिन काम में लगे रहते थे। तो जैसा मेरा रिटायरमेंट का समय नज़दीक आया तो मैंने सोचा कि अभी आफ्टर रिटायरमेंट मेरे को ये सवाल नहीं आना चाहिए कि अभी क्या करूँ, समय कैसे बिताऊँ। इसलिए एक हॉबी मैंने चुनी, ये चित्रकला, जो कि 7वीं कक्षा में छोड़ दिए थे। उसके बाद में जीतू से सीखना चालू किया और मुझे बहुत गर्व हो रहा है आज कि ज़िंदगी में पहली बार मेरे पेंटिंग आर्ट गैलरी में लगे हैं। इसका पूरा श्रेय मैं जीतू को देता हूँ और अमित डाने को देता हूँ। और ये इतने डाउन टू अर्थ है कि मुझे कुछ नहीं आता, फिर भी मेरे पास ज़मीन पे बैठ के 10 बार मेरे को बदल दिया। इतना अच्छा तरीके से सिखाया, अभी थोड़ा थोड़ा आने लगा है और मुझे बहुत खुशी है कि आज मेरे पेंटिंग आर्ट गैलरी में लगे हैं। मेरा नाम अनिल चौधरी है। सबसे पहले तो मैं जितेंद्र गायकवाड़, जिसको प्यार से हम जीतू बोलते हैं, उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। मेरी 37 साल की लंबी कॉरपोरेट करियर के बाद मेरे सामने ये बड़ा प्रश्न चिन्ह था कि अभी मैं रिटायरमेंट के बाद क्या करूं। तो इसका जवाब बहुत ही अच्छी तरह से ये जो आर्टिस्ट है जीतू बुलते और अमित ढाणे, ये दोनों ने एक वर्कशॉप हमने अटेंड किया और उसके बाद मेरी रिटायरमेंट की ज़िंदगी तय हो गई। बाकी सब आर्टिस्ट लोगों ने बहुत सारे चित्रों के बारे में, एग्जीबिशन के बारे में बताया। मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक यहाँ बोलना चाहूँगा। लकीली कॉरपोरेट सर्विस के वजह से मेरा बाहर पोस्टिंग था। एक्चुअली काफ़ी सारी कंट्रीज़ देखी है और चित्रकला में इंटरेस्ट होने के नाते बहुत सारे आर्ट गैलरीज़, बहुत सारे आर्ट शॉप्स, ये सब मैं विज़िट करता हूँ और वहाँ देखता हूँ कि चित्रकला का रिस्पेक्ट और कला लेके अपने घर में लगाने के लिए लोगों की जो तरीके से लोग उसको प्रोत्साहन देते हैं वो भारत में इतना ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहा है। अभी सिचुएशन ऐसी है कि भारत में मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, हायर क्लास तो है ही, ये जो है ये चित्रों को आसानी से ले परचेस कर सकते हैं। अभी बच्चों को फ़ोन देके सोशल मीडिया पे बिज़ी रखना है या आपके लिविंग रूम में, बेडरूम में, इवन किचन में ऐसे अच्छे अच्छे पेंटिंग लगा के बच्चों में चित्रकला की एक हैबिट निर्माण करनी है, ये दोनों में से कौन सा तय करना है, ये पेरेंट्स ने विचार करने की ज़रूरत है। इससे ये होगा कि एक तो ये कला धीरे धीरे फाइन आर्टिस्ट, अप्लाइड आर्टिस्ट, आर्किटेक्चर, इसमें फाइन आर्टिस्ट जो है धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, तो ये इनको बढ़ावा देना बहुत ही ज़रूरी है, तो वो मिल हो जाएगा और अपने देश में फाइन आर्टिस्ट लोगों का एक। सबसे पहले तो मैं जीतू सर को थैंक यू बोलना चाहूँगा क्योंकि नेहरू सेंटर जैसे इतनी बड़ी आर्ट गैलरी में उन्होंने अपॉर्चुनिटी दी। फर्स्ट थिंग मेरा ये पहला एग्जीबिशन है तो नेहरू सेंटर जैसी गैलरी में अपॉर्चुनिटी मिली। और अगर मेरे पेंटिंग देखे जाए, मेरे 10 पेंटिंग यहाँ लगे हुए हैं। इम्पोर्टेंट बात ये है कि सब आर्टिस्ट ने अच्छे काम किए। अगर मेरे पेंटिंग है तो मैंने लैंडस्केप, सिटीस्केप एंड सीस्केप, ये 3 टाइप का कॉम्बिनेशन करके पेंटिंग किए। मेरे एक्रेलिक और ऑयल और वाटर कलर और 2 लाइव पेंटिंग इधर लगे हुए हैं। अगर देखा जाए तो
एग्जीबिशन 6 to 12 December है। आप ज़रूर इस एग्जीबिशन में आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के पेंटिंग देख सकते हो। हर एक पेंटिंग में डिफरेंट फीलिंग्स है, डिफरेंट थॉट है, डिफरेंट थीम है और सब पेंटिंग एक डिफरेंट मीडियम में किए हुए। तो मैं ज़रूर कहूँगा कि आप आके पेंटिंग देख सकते हैं और एग्जीबिशन अटेंड कर सकते हैं। एक्चुअली वो क्या बोलते हैं, फैमिली है साथ में तो थोड़ा कॉन्फिडेंस है, थोड़ा शेयर करने के लिए वो भी आए। ठीक है, वो पहले एग्जीबिशन। मी विठ्ठल पाटिल, जितूच्याच ग्रुपचा आहे। मी विठ्ठल पाटिल, जितूच्या ग्रुपचाच आहे। मी हॉबी आर्टिस्ट आहे। हा प्रदर्शन म्हणजे पहिल्यांदाच मला असं म्हणजे एवढा मोठा असा हे प्लॅटफॉर्म भेटला नव्हता, तो जितूने उपलब्ध करून दिला, जितू गायकवाडनी, याच्यासाठी त्याचे धन्यवाद। आणि तुमच्या सोशल मीडियाचा पण धन्यवाद देतो की तुम्ही आता आम्हाला एवढे व्हायरल करणार आहात, लोकांपर्यंत नेणार आहात, बऱ्याच लोकांपर्यंत। थँक्यू। एक्झिबिशन आहे, मी रिअलिस्टिक पेंटिंग करतो। मला जितेंद्र गायकवाड यांनी फर्स्ट अपॉर्च्युनिटी दिली, त्यांच्यासाठी मी पहिले त्यांचा थँक्यू बोलतो। आणि ॲक्च्युली फर्स्ट एक्झिबिशन आहे, त्याच्या थोडा नर्वस आहे। तुम्ही सगळ्यांनी म्हणजे या नक्की बघा एक्झिबिशन, सगळ्या आर्टिस्टनी खूप चांगलं काम केलेलं आहे, तर तुम्ही या आणि एन्जॉय करा। थँक्यू। हाय, मेरा नाम अनिकेत खाड़े, मैं पेंट से आता हूँ। प्रोफेशनली इंजीनियर हूँ, पर पेंटिंग मेरा पहले से पैशन रहा है। और सबसे पहले तो मैं इसके आयोजक जो है, हमारे जो मेरे मेंटर है जितू दादा गायकवाड़, उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि बहुत सालों से हमारा ये चल रहा था, उनके वर्कशॉप के थ्रू हमने बहुत कुछ सीखा है और ये पहली बार एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा सीखने का मेरा मोटिव है कि और एक्सपीरियंसेस लेने का कि एग्जीबिशन प्रोफेशनल लेवल पे कैसे होते हैं, पेंटिंग्स को कैसे डिस्प्ले किया जाता है, कैसे कनेक्शन बनता है, कैसे पूरा नेटवर्क हमें बनाना है, कैसे आगे बढ़ना है, ये सब है। मैंने इसमें मेरे एक्रेलिक के पेंटिंग्स डिस्प्ले किए हैं, उसमें मैंने मोस्टली सॉलिट्यूड जो या फिर मराठी में हमें जो बोलते हैं कि निवांतपणा जो बोलते हैं, वो कैप्चर करने का ट्राई किया है। एक पेंटिंग मेरा ग्लो ऑफ होप करके है, जो पॉजिटिव वाइब देता है, तो ये मेरा डिस्प्ले है। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ उठाएं। थैंक यू। नमस्कार, माझं नाव ओमकार शरद कुदलकर। पहिले तर मी जितूदा आमचे सर मार्गदर्शक त्यांचे आभार मानतो की आम्हाला त्यांनी एवढं मोठं प्लॅटफॉर्म करून मिळून दिलं, त्यासाठी त्यांचे आभार। आणि त्यांच्यासोबत आम्ही दर संडेला काम करत असतो, म्हणजे आउटडोर जात असतो, त्याच पेंटिंगचं आम्ही त्याचंच प्रदर्शन केलं त्या मार्गदर्शनामध्ये। भगत, मी पेंटमध्ये राहतो। पेंटिंगची आवड लहानपणापासून होती, पण गायडन्स करायला कोण नव्हतं। जेव्हापासून जितू आता भेटला तेव्हापासून पेंटिंगमध्ये त्याला वळण मिळाल्यासारखं झालं आहे। आणि नेहरू सेंटरमध्ये पहिल्यांदाच पेंटिंग लागलं आहे, खूप छान वाटतं आहे। धन्यवाद। नमस्कार, माझं नाव स्वराज श्रीनिवास वांद्रे, मी एक चित्रकार आहे। जितेंद्र गायकवाड हे माझे गुरु आहेत, ज्यांनी मला एक संधी मिळावी यासाठी प्लॅटफॉर्म म्हणून नेहरू सेंटर आर्ट गॅलरीमध्ये माझ्या चित्रांची निवड केली, त्यासाठी मी त्यांचा खूप 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 आभारी आहे। ऑफकोर्स, मुझे आज बहुत खुशी हुई कि मेरे जो दोस्त हैं, मेरे फ्रेंड आर्टिस्ट हैं, उन्होंने आज नेहरू सेंटर गैलरी सर्कुलर गैलरी में आज एग्जीबिशन यहाँ पे ग्रुप चालू हुआ है। आज का फर्स्ट डे है और फर्स्ट डे में यहाँ पे इनॉग्रेशन हो गया है। मेरे डियरेस्ट फ्रेंड जीतू गायकवाड़ सर आर्टिस्ट और मैं हमेशा जो आर्टिस्ट रहते हैं, जो काम करते हैं, जो अपकमिंग आर्टिस्ट हैं, उनके लिए स्टेज देने के लिए सोचते थे। और एक दिन जीतू सर ने बोला कि हम लोगों को, हमारे जो कोई फ्रेंड्स हैं उनको गैलरीज नहीं मिलती, क्योंकि अकेला सोलो गैलरी लेने के लिए
उसका कॉस्ट और उनके वर्क्स भी चाहिए, तो कुछ आर्टिस्ट वो डेयरिंग नहीं करते, लेकिन ग्रुप एग्जीबिशंस में कुछ वर्क्स लगा के उनको वहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए, इन्वॉल्व होने के लिए चांसेस मिलते हैं। तो यहाँ पे जीतू सर के वजह से और हम लोगों ने गैलरी को रिक्वेस्ट करके ये एग्जीबिशंस में हमारे जो फ्रेंड्स हैं, जो आर्टिस्ट हैं हमारे साथ वर्कशॉप के लिए भी आते हैं, उनके वर्क जो आर्टिस्ट का यहाँ पे वर्क्स एग्जीबिशन हो रहा है, वो सबका वर्क्स देख के मेरे को भी अच्छा लगा कि सब आर्टिस्ट के काम बहुत अच्छे, उन्होंने मेहनत करके ये गैलरी में डिस्प्ले कर लिया है। नए स्टूडेंट भी हैं, कितना लाभ मिलेगा? मिलेगा, क्योंकि सब आर्टिस्ट का एक ड्रीम रहता है कि हम लोग काम करते हैं लेकिन डिस्प्ले कहाँ पे करने का, घर पे तो लोग एग्जीबिशंस पेंटिंग्स देखने के लिए नहीं आ सकते, उनको गैलरी इम्पॉर्टेंट है। तो गैलरी एक ऐसा व्यासपीठ है, ऐसा स्टेज है जहाँ पे हम हमारी मेहनत और हमारा जो वर्क्स है वो डिस्प्ले करने के लिए हम लोग ये गैलरी का फॉर्म भर के हम लोगों को चांसेस मिलते हैं और हमारा सिलेक्शन हो गए तो हम एग्जीबिशंस करते हैं। जो नए अपकमिंग आर्टिस्ट हैं उन लोगों को ये पहला एक्सपीरियंस होगा कि एग्जीबिशंस कैसा रहता है, डिस्प्ले वर्क्स कैसा करना रहता है, लोगों को अटेंड करना रहता है, क्लाइंट्स आते हैं उनके साथ कैसा बोलना चाहिए, उनके साथ कैसे तरीके से हमारा वर्क का डिटेल्स देना चाहिए, इसके लिए ये शुरुआत रहती है। तो फिर ये उन लोगों को बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि अपना वर्क्स डिस्प्ले करने के लिए। थैंक यू। कमर्शियल की बात करें तो कैसे? कमर्शियल का थिंकिंग करके एग्जीबिशन करना ज़रूरी नहीं रहता आर्टिस्ट को, क्योंकि कमर्शियल माइंड लग के हम लोग काम करते हैं तो फिर सेलिंग का ही इशू हमारे माइंड में आता है और हम भी उसी तरीके से ही काम करते हैं। पेंटिंग एग्जीबिशन रहता है, उसमें हम एक थॉट एक विचार लेके हम लोग चलते हैं, तो सब आर्टिस्ट अलग अलग तरीके से काम करते हैं, सबका काम सेम नहीं रहता। तो वो जो आर्टिस्ट जो काम करते हैं उनका वर्क किसी को पसंद आया तो क्लाइंट हर तरीके के होते हैं, वो बहुत दर्जी रहते हैं, जिनको काम चाहिए वो क्लाइंट्स लेते हैं, उनको मालूम रहता है कि हम लोगों को ये काम अच्छा रहा, कुछ लैंडस्केप लेते हैं, कोई पोर्ट्रेट लेते हैं, कोई कंपोजिशंस भी लेते हैं, अलग अलग टाइप के पेंटिंग्स वो खरीदते हैं, लेकिन उनको मालूम रहता है कि पेंटिंग्स क्या होता है। तो फिर ये माइंड में रख के किसी आर्टिस्ट को नहीं चलना चाहिए कि हम कमर्शियल थिंकिंग करके एग्जीबिशंस करना चाहिए, ये गलत है।